हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैड बडी द सीरीज के 5th एपिसोड को। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ने एपिसोड 5 देखी होगी, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी जाकर एपिसोड 5 को पहले देखिए। और अकॉर्डिंग टू मी, ये 2021 की बेस्ट बीएल सीरीज है, और मैं इसे वन ऑफ द बेस्ट बीएल सीरीज कहूंगी, क्योंकि मेन लीड्स की केमिस्ट्री और एक्टिंग के बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। तो मैं बस आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जाकर 5th एपिसोड को जरूर से जरूर देखिए। ओके, और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में प्राण के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पैट की नींद खुलती है और उसे कुछ जलने की स्मेल आती है, और उसे लगता है कि आग लग गई है, और वो चिल्लाकर रूम से बाहर निकलता है। प्राण उस वक्त ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, और वो पैट से बोलता है कि उसके रूम पे आग लगी होगी। पैट उसे बोलता है कि अगर पैट के रूम पे आग लगेगी तो वो प्राण के रूम तक भी स्प्रेड हो जाएगी। ये कहकर पैट ब्रेकफास्ट लेने जाता है, पर प्राण उसे बोलता है कि यह प्राण का ब्रेकफास्ट है। पैट उसे बोलता है तो पैट का ब्रेकफास्ट कहाँ है, ये बोलकर वो ब्रेकफास्ट को टच करने लगता है। प्राण उसे बोलता है कि क्या पैट उसका वाइफ है, जो प्राण को उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। पैट उसे बोलता है कि वो प्राण का वाइफ नहीं है, और तभी प्राण टॉस रखने के लिए मुड़ता है। इतने में पैट सैंडविच लेकर खाने लगता है। प्राण उसे रोकने लगता है, बट पैट उसे बोलता है कि वो प्राण का वाइफ नहीं है, बट वो प्राण का ब्रेकफास्ट खा सकता है। ये कहकर वो ब्रेकफास्ट खाने लगता है, और वो प्राण को थैंक यू बोलता है, और वो फनी हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर प्राण स्माइल करता है। फिर प्राण पैट से बोलता है कि अगर उसका खाना हो गया हो तो वो अपने रूम पे वापस चला जाए, पर पैट उसे बोलता है कि वो नहीं जा सकता, बिकॉज उसके पास की नहीं है, और उसकी सिस्टर अभी तक की लेकर नहीं आई है, और उसे आशा है कि प्राण इतना क्रूअल नहीं होगा कि वो पैट को बाहर वेट करने के लिए छोड़ देगा। बट प्राण उसे जाने को बोलता है, पर पैट उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, और वो प्राण को कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहा होता है, और वो बहुत क्यूटली उसे प्लीज बोलने लगता है, जिसे देखकर प्राण स्माइल कर देता है, और प्राण पैट को बोलता है कि उसे किसने बोला कि ये सब क्यूट लगता है। पैट उसे बोलता है कि प्राण ने अभी खुद बोला, बिकॉज वो स्माइल कर रहा है। प्राण स्माइल करना बंद कर देता है। पैट उसे कहता है तो क्या प्राण पे इसका असर हुआ। प्राण उसे कुछ नहीं कहता, और उसे ओके बोलता है, और वो कहता है कि वो यहाँ पे रुक सकता है, और पैट को डिशेस वॉश करने होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि पैट प्राण की चीजों को हाथ ना लगाए। और ये कहकर प्राण जाने लगता है, पर वो जाते जाते पैट को बोलता है कि वो डिशेस को अच्छी तरह से क्लीन करे, और उसकी चीजों को वो ना छुए, और अगर डिशेस गंदे रहे तो उसे आकर खूब डांटेगा। पैट उसे ओके बोलता है, और प्राण वहाँ से चला जाता है। प्राण के जाने के बाद पैट प्राण की सीट पर जाकर बैठता है, और उसके नोटबुक के स्केचेस को देख रहा होता है कि तभी उसके पास प्राण का कॉल आता है, और वो पैट से बोलता है कि उसे पैट की हेल्प चाहिए, और वो पैट को बताता है उसके कॉन्टेस्ट का सॉन्ग उसके कंप्यूटर पे है, और वो उसे पेन ड्राइव में डालकर उसे लाकर दे सकता है, और ये अर्जेंट है। पैट प्राण से उसके कंप्यूटर का पासवर्ड पूछता है। प्राण पी बोलकर रुक जाता है, और उसके कंप्यूटर का पासवर्ड प्राण सो कूल होता है, जिसे देखकर पैट हंसने लगता है, पर प्राण उसे बोलता है कि वो जल्दी से पेन ड्राइव ले आए, और वो अपने डिपार्टमेंट के बिल्डिंग के पीछे है। वो पैट से बोलता है कि उसे वहाँ पे कोई ना देखे, और पैट कंटिन्यू हंस रहा होता है, और पैट उसे ओके बोलता है। फिर पैट प्राण के कंप्यूटर पे उसके स्कूल टाइम के फोटोज को देखता है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगता है। आगे हमें पैट को प्राण के डिपार्टमेंट के बिल्डिंग में दिखाया जाता है, और उसे वहाँ पे वाई देख लेता है। वाई सेफ और लुइस से कहता है कि उसने अभी यहाँ पे पैट को देखा, और सेफ उसे बोलता है कि वो पैट नहीं हो सकता, और लुइस भी सेफ की बात से अग्री करता है, और वाई को पूरा यकीन होता है कि उसने पैट को ही यहाँ पे देखा था। और तभी पैट जा रहा होता है कि कोई उसे साइड से खींचकर अंदर ले लेता है, और तभी वहाँ पे वाई सेफ और लुइस आते हैं, पर उन लोगों को वहाँ पे पैट नहीं मिलता। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा था। फिर तभी प्राण वहाँ पे वापस आ जाता है, और वो अपना पेन ड्राइव पैट से मांगता है। पैट उसे उसका पेन ड्राइव देता है। प्राण उसे बोलता है कि पैट उसे दोबारा परेशान ना करे, ये बोलकर वो जाने लगता है, और पैट और रिंक हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं, और जिसे प्राण दूर से देख रहा होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें पैट को उसके रूम पे दिखाया जाता है, जहाँ उसके रूम पे उसके सिस्टर भी उसके साथ होती है। पैट अपनी सिस्टर को बता रहा होता है कि इंक उसे जरूर लाइक करती है। उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि ये सारी चीजें बस पैट की इमेजिनेशन है, और इंक पैट को लाइक नहीं करती। पैट उसे बोलता है कि पैट को क्या करना चाहिए। उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि फ्रेंड्स को नहीं डेट करना चाहिए, बट उसे इंक पसंद है तो पैट उसे डेट कर सकता है। पैट अपनी सिस्टर को कहता है कि उसे कैसे पता चलेगा कि इंक उसे लाइक करती है या फिर नहीं। तो उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि वो इंक को लेकर डेट पे जाए, और उसकी सिस्टर वहाँ पे उसकी हेल्प करेगी।
आगे हमें पैट और इंक को डेट पे दिखाया जाता है और इंक पैट को उसकी फोटो लेने को कहती है, तो पैट उसकी फोटो लेने लगता है। फिर वहाँ पे पैट के सिस्टर आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि पैट के सिस्टर ने उसे बोला होता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो फिजिकल रिस्पॉन्स आएगा। तो पैट इंक के हाथ को टच करता है, पर पैट और इंक दोनों को कुछ भी फील नहीं होता। और दूसरी चीज ये होती है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, तो पैट इंक की आंखों में देखने लगता है, पर अगेन इंक को इन सारी चीजों से कुछ भी फील नहीं होता। और तीसरी बात ये कि अगर कोई आपको लाइक करता है तो वो हमेशा ये जानना चाहेगा कि आपके लाइफ में कोई है या फिर नहीं। तो पैट की सिस्टर पैट की तारीफ करने लग जाती है, पर इस चीज का भी इंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी पैट के पास म्यूजिक शॉप से कॉल आता है और पैट को अपना ड्रमस्टिक लेने जाना होता है, तो पैट वहां से चला जाता है और पैट म्यूजिक शॉप पे जाता है और वो वहां पे गिटार की तरफ देखने लगता है और पैट एक गिटार को पकड़ता है और तभी प्राण भी उस गिटार को पकड़ता है। पैट ने प्राण का हाथ पकड़ा होता है, फिर वो अपना हाथ हटा लेता है। पैट प्राण से पूछता है कि प्राण यहाँ पे क्या कर रहा है। प्राण उसे बोलता है तो क्या इस जगह पे सिर्फ पैट ही आ सकता है, और प्राण गिटार देखने लगता है और पैट प्राण की तरफ देखने लगता है। पर जैसे ही प्राण उसकी तरफ देखता है, पैट दूसरी तरफ देखने लगता है और तभी प्राण के पास किसी का कॉल आता है और प्राण उससे हंस हंस कर बातें करने लगता है, जिसे देखकर पैट शांत हो जाता है। वो प्राण को बोलता है कि प्राण अच्छे मूड में लग रहा है और क्या वो अपने डेट से बात कर रहा था। प्राण उसे बोलता है कि इस बात से पैट को क्या, और पैट अपसेट हो जाता है और वो अपनी सिस्टर की बात को याद करता है, जिसे आप लाइक करते हैं, उसे टच करने से फिजिकल रिस्पॉन्स आएगा और ये एक हिंट है। और उसे तभी याद आता है कि उसने अभी अभी प्राण का हाथ टच किया था। फिर उसे आंखों वाली बात भी याद आती है और वो प्राण की तरफ देखने लगता है। तीसरी बात कि आप जिसे लाइक करते हैं, आप हमेशा उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उस इंसान के लाइफ में कोई है या फिर नहीं। और उसे याद आता है कि उसने अभी प्राण से पूछा था क्या वो अपने डेट से बात कर रहा था। और ये सारी चीजें याद करके पैट घबरा जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी गलती से प्राण उसके सामने आ जाता है और पैट को आखिरी बात याद आती है कि आप जिसे लाइक करते हैं, आप उसके सामने अपने आप में नहीं होते। और पैट घबरा कर वहाँ से जल्दी चला जाता है और प्राण सोचता है कि पैट को आखिर क्या हुआ है। आगे प्राण को उसके रूम पे दिखाया जाता है और प्राण देखता है कि पैट ने उसके सॉस के ट्यूब को खत्म कर दिया होता है और उसपे एक नोट लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि वो उसे न्यू पैकेट लाकर देगा। और प्राण सूखी ब्रेडी खाने लगता है और वो जाकर चेयर पे बैठता है और उस पैकेट पे लगे नोट को देख रहा होता है और वो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और फिर वो उसे ड्रॉ करने लगता है। फिर प्राण कुछ याद करने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने पेस्ट्री शॉप पे इंक और पैट को साथ में देखा था, जिसे याद करके प्राण अपसेट हो जाता है। आगे सीन चेंज होता है और पैट को उसके फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है और पैट कौन से पूछता है कि किस वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है। कौन उसे कहता है कि हार्ट बीट तब तेज होती है जब आप उस इंसान के साथ होते हैं जिसे आप लाइक करते हैं। पैट उसे बोलता है कि ये सारी चीज एक्साइटमेंट की वजह से भी हो सकती है। कौन कहता है कि ये भी हो सकता है, पर एक और बात है कि अगर आप जेलस होने लगे तो ये पक्का है कि आप उस इंसान को लाइक करते हैं। पैट कौन की बातों को सुनकर सोचने लगता है। दूसरी तरफ प्राण को उसके रूम पे गिटार प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है और तभी पैट गेट पे नॉक करने लगता है और वो प्राण को आवाजें देने लगता है। प्राण जाकर गेट खोलता है और वो पैट से पूछता है कि क्या बात है। पैट उसे कहता है कि क्या वो घर के अंदर आ सकता है। प्राण उसे बोलता है वो तो कई बार ऑलरेडी आ चुका है। पैट उसे बोलता है कि वो अपने ईयरफोन्स लेने आया है जो उसने प्राण को दिए थे। प्राण बोलता है कि उसे याद नहीं है कि उसने उसे अभी कहाँ रखा है। पैट कहता है कि वो खुद ढूंढ लेगा। ये बोलकर वो रूम के अंदर जाता है और वो प्राण से नॉर्मली बातें करने लगता है और वो प्राण को बोलता है कि वो आज कॉलेज क्यों नहीं गया। प्राण उसे बताता है कि आज उसके क्लासेस नहीं है और पैट जाकर प्राण की चीजों को देखने लगता है और उसके रूम पे फोटोज लगे होते हैं जिसे वो देखने लगता है। और तभी प्राण के पास वाई का कॉल आता है और प्राण पैट से कहता है कि वो शांत रहे। फिर प्राण और वाई आपस में हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। पैट ये सारी चीजें देख रहा होता है और उसे अच्छा नहीं लगता और वो आवाज करने लगता है। प्राण वाई से कहता है कि वो सैटरडे अपने घर जाने वाला है और वो वाई से भी उसके घर आने को बोलता है और वो उसे अपने घर पे डिनर पे बुलाता है। ये सारी बातें सुनकर पैट को अच्छा नहीं लगता। फिर प्राण कॉल कट करता है। पैट उसे बोलता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं। प्राण उसे यस बोलता है और वो कहता है कि वाई उसका फ्रेंड है। पैट उसे कहता है तो क्या वाई प्राण के घर जाने वाला है। प्राण उसे यस कहता है। पैट बोलता है
पर प्राण की मॉम तो बाहर के लोगों को अपने घर पे अलाउ नहीं करती। प्राण कहता है कि उसकी मॉम वाई को बहुत पसंद करती है और वाई को भी उसकी मॉम के हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। पैट उसे बोलता है, तो क्या कभी वाई ने यहाँ पे नाइट स्पेंड किया है? प्राण उसे नो बोलता है, जिसे सुनकर पैट को शांति मिलती है। पर फिर प्राण बोलता है कि वाई यहाँ पे रुका था और वो वहीं पे सोया था जहाँ पे पैट सोया था। जिसे सुनकर पैट उसे बोलता है कि प्राण ने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई, और वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। प्राण उसे बोलता है कि पैट को क्या हुआ है और वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। आगे पैट को उसके रूम पे बैठे दिखाया जाता है और फिर वो सोचने लगता है, और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैट और प्राण को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ प्राण गिटार बजा रहा होता है और पैट उसके पास बैठा होता है और वो दोनों सॉन्ग डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो कौन सा सॉन्ग प्ले करेंगे। प्राण पैट को बताता है कि वो सॉन्ग कंपोज करना चाहता है और कुछ बॉन्ड टुगेदर जैसा, जैसे कि साथ में बड़े होना और एक दूसरे को रोज देखना। शुरू में कुछ नहीं होता, पर बिना रियलाइज किए उनकी फीलिंग्स बदल जाती है, और तभी पैट बोलता है कि उनकी फीलिंग्स बदल जाती है और वो दोनों राइवल्स बन जाते हैं। और पैट बोलता है कि ये तो उन दोनों के घर का सिचुएशन है और उन्हें उसी पे सॉन्ग बनानी चाहिए। प्राण स्माइल करता है और वो पैट से पूछता है कि क्या पैट को कभी किसी पे सीक्रेट क्रश हुआ है। पैट उसकी बात को सुनकर हंसने लगता है। प्राण उसे बोलता है कि पैट उसी के साथ रहता है। जो भी लोग पैट को लाइक करते हैं, तो प्राण बस जानना चाहता है। पैट बोलता है कि उसे नहीं पता और कभी कभी वो इनसिक्योर हो जाता है और वो अप्रोच करने से घबराने लगता है। तो प्राण ये सारी बातें गाने में लिखने लगता है और वो बोलता है कि ऐसे लगता है कि जैसे पैट श्योर नहीं होता और अच्छा होगा या फिर बुरा। वो इस बात से डरता है और ज्यादा फील करने से वो घबराने लगता है और वो अपनी फीलिंग्स बताने से घबराता है। और वो जंप तो करना चाहता है, पर वो दिल टूटने से डरता है और वो पीछे हटना चाहता है, पर अगर उसे कोई भी चांस मिला तो वो उस पे कब्जा भी करना चाहता है। और प्राण को पैट की ये सारी फीलिंग्स पसंद आई। पैट उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और वो प्राण की कॉपी में अपना नाम लिख देता है और वो प्राण से बोलता है कि उसे हाफ क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि ये उन दोनों की सॉन्ग है। तभी प्रेजेंट में पैट के रूम पे उसकी सिस्टर आती है। वो पैट से पूछती है कि उसे क्या हुआ, क्या वो इंक के बारे में सोच रहा है, और पैट की सिस्टर इंक की तारीफ करने लगती है। पैट कहता है कि उसने सब कुछ ट्राई किया पर उसे कुछ भी साइन नहीं मिला। उसकी सिस्टर बोलती है उसे फिर भी ट्राई करना चाहिए, पर पैट उदास बैठा होता है। उसकी सिस्टर उसे बोलती है क्या पैट किसी और को लाइक करता है। पैट उसकी बात सुनकर हिचकिचाने लगता है, पर वो अपने सिस्टर को नो बोलता है। आगे नेक्स्ट डे म्यूजिक कॉन्टेस्ट वाला दिन होता है। प्राण को उसके फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है। प्राण अपनी फ्रेंड्स को बोलता है कि वो सॉन्ग नहीं फिनिश कर पाया। वाई कहता है कि भले ही ये प्राण की ओल्ड सॉन्ग है, पर उन लोगों के लिए ये तो न्यू सॉन्ग है। और प्राण सॉन्ग की लिस्ट देने जाता है और तभी वहाँ पे पैट भी अपनी सॉन्ग की लिस्ट देने आता है। पैट प्राण से पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या वो रेडी है। प्राण उसे यस बोलता है और प्राण पैट से इंक के बारे में पूछता है। पैट कहता है पर प्राण उसे ये सारी बातें क्यों पूछ रहा है। प्राण उसे बोलता है कि वो बस जानना चाहता है। पैट उसे बोलता है पर प्राण क्यों जानना चाहता है। प्राण बोलता है कि इंक को यहाँ पे पैट को सपोर्ट करना चाहिए। और तभी वहाँ पे वाई आ जाता है और प्राण उसके साथ चला जाता है। और प्राण और वाई को साथ बातें करते देख पैट को अच्छा नहीं लगता और वो अपसेट होने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पैट और उसके फ्रेंड्स की परफॉर्मेंस खत्म होती है। फिर पैट ऑडियंस में जाकर खड़ा होता है जहाँ पे इंग भी खड़ी होती है, और स्टेज पे प्राण और उसके फ्रेंड्स आते हैं और प्राण सबको बोलता है जो सॉन्ग वो प्ले करने वाला है उस सॉन्ग को उसने अपने हाई स्कूल के फ्रेंड के साथ लिखा था। पैट समझ जाता है कि प्राण कौन सा सॉन्ग प्ले करने वाला है और प्राण अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है और पैट पुराने दिनों को याद करने लगता है जब वो दोनों साथ बैठे उस सॉन्ग पे काम किया करते थे, और स्कूल की मेमोरीज को याद करके पैट स्माइल करने लगता है। और तभी वो स्टेज पे प्राण और वाई को करीब देखता है और उसे अच्छा नहीं लगता और उसे क्रिसमस वाला फेस्टिवल याद आता है जब सॉन्ग गाने के दौरान प्राण पैट की तरफ बार बार देख कर स्माइल कर रहा था, और उसे याद आता है कि फिर उसके बाद वो दोनों बिछड़ गए और प्राण स्कूल से चला गया। और इन सारी चीजों को याद करके पैट सैड हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, और वो ऊपर बालकनी पे खड़ा प्राण को देख रहा होता है। और तभी उसके पास इंक आती है और वो पैट को उदास देखकर उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। पैट इंक को बोलता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो इंक को लंबे टाइम से लाइक करता है, शायद हाई स्कूल के टाइम से, पर उसे कहने से डरता था बिकॉज वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। उसे बोलती है कि उसे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि ये लव कन्फेशन थी,
और उसे ऐसा लगता है कि जैसे पैट कुछ अपने सीने से निकालना चाहता है। पैट उसे बोलता है, क्या इंक केसाई बात इतनी इजीली समझ गई? इंक उसे यस बोलती है और वो कहती है कि अब लगता है कि पैट को जाकर राहत मिली है। पैट उसे सॉरी बोलता है। इंक उसे बोलती है कि अगर ये सच का भी कन्फेशन होता तो भी वो उसे नो बोलती, क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स है और वो अपने क्लोज फ्रेंड्स को खोना नहीं चाहती। पैट कहता है कि क्या कुछ ऐसा है जो इंक नहीं जानती। इंक बोलती है कि पैट के दिमाग में कुछ चल रहा है और पैट जब रेडी हो तब वो इंक को शेयर कर सकता है। और पैट प्राण की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आता है और प्राण की टीम जीत जाती है। पैट के फ्रेंड्स नाराज हो जाते हैं कि वो आर्किटेक्ट वालों से हार गए और वहीं प्राण और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वह पैट और उसके फ्रेंड्स को टीज करने लगता है, जिससे कौन गुस्सा होने लगता है और पैट भी वाई की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। आगे हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहां प्राण और उसके फ्रेंड्स को वाई के रेस्टोरेंट पे सेलिब्रेट करते दिखाया जाता है। तभी वहां पे पैट अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और वो लोग वाई और उसके फ्रेंड्स को वहां देखकर वहां से जाने लगते हैं। पर वाई उनके पास जाकर उन्हें परेशान करने लगता है और वो उन लोगों को आकर उनके साथ बैठने को बोलता है। पैट और प्राण एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कौन और वाई में बहस होने लगती है पर पैट कौन को शांत रहने को बोलता है और वो कहता है कि आज के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा हो चुका है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके फ्रेंड्स भी वहाँ से जाने लगते हैं और प्राण उनकी तरफ देख रहा होता है। आगे हमें पैट को उसकी बिल्डिंग के बाहर बैठे दिखाया जाता है और पैट नशे में होता है। फिर वो प्राण का वीडियो देखता है जहाँ वाई उसके साथ होता है और वो दोनों साथ में बहुत खुश दिखते हैं। और तभी वहाँ पे वाई अपनी स्कूटी पे आता है और वाई के साथ प्राण भी होता है और प्राण बहुत ज्यादा नशे में होता है। प्राण और वाई पैट को वहाँ देखकर शांत हो जाते हैं। पैट प्राण को अपने पास बुलाने लगता है और प्राण पैट के पास जाने लगता है तो वाई भी आगे बढ़ने लगता है। वाई को रोकता है और वो कहता है कि वो पैट से बात करेगा और वो पैट को बोलता है कि उसे क्या चाहिए और प्राण वाई को दिखाकर बोलता है कि क्या पैट हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। पैट उसे बोलता है कि उस घटिया सॉन्ग से हार कर वो क्यों कुछ भी फील करेगा। प्राण पैट को वहाँ से जाने को बोलता है और वो बोलता है कि पैट बहुत ज्यादा नशे में है तो वो यहाँ पे बेवकूफी ना करे। तो पैट प्राण के करीब आने लगता है। प्राण उसका कॉलर पकड़ कर उसे बोलता है कि पैट को क्या हुआ है और ये पागलपन करने का टाइम नहीं है। पैट उसे बोलता है पर क्यों नहीं और वो क्यों नहीं कर सकता और क्या प्राण डर रहा है कि वाई को सब कुछ पता चल जाएगा और वो वाई की तरफ देखता है और वो बोलता है कि क्या प्राण वाई की इतनी ज्यादा केयर करता है। प्राण पैट को चुप रहने को बोलता है और तभी वहाँ पे वाई आने लगता है और वो पैट को बोलता है कि वो उसके फ्रेंड को परेशान ना करे। प्राण वाई को जाकर रोकता है। पैट उसे बोलता है कि ये पैट और प्राण के बीच की बात है। वाई प्राण से पूछता है आखिर बात क्या है और प्राण और पैट में क्या प्रॉब्लम है। प्राण चुप हो जाता है पर पैट बोलता है कि वो वाई को क्यों नहीं कहता। प्राण पैट के पास जाकर उसे बोलता है कि पैट का प्रॉब्लम क्या है और वो पैट को होश में आने को बोलता है। पैट वाई को कहता है क्या वो सब कुछ जानना चाहता है पर प्राण पैट को चुप रहने को बोलता है। पैट उसे कहता है पर वो क्यों नहीं कह सकता। पर तब तक वाई वहां आकर पैट को एक पंच मार देता है। फिर पैट भी वाई को पंच मारता है। प्राण पैट को रोकता है और वो उसे जाने को बोलता है और प्राण वाई को भी रोकने लगता है और वो वाई को घर जाने को बोलता है। वाई उसे बोलता है कि क्या प्राण श्योर है कि यहां पे कुछ भी नहीं चल रहा। प्राण उसे बोलता है कि कोई भी बात नहीं है और वो वाई को वहाँ से जाने को बोलता है और वाई वहाँ से चला जाता है। प्राण मुड़कर पैट की तरफ देखता है जो कि जमीन पर गिरा होता है और प्राण बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। पैट खुद को संभालता है और वो जमीन से उठता है। फिर वो एक पैकेट को देखता है और उसमें वही सॉस होती है जो उसने बोला था वो प्राण को देगा और पैट वहाँ बैठा रोने लगता है। इसके बाद हमें पैट को शावर लेते दिखाया जाता है। फिर वो जाकर प्राण के डोर पे नॉक करता है और वो प्राण को आवाजें लगाने लगता है। फिर वो प्राण को कॉल भी करता है पर उसका कॉल नहीं लगता। इसके बाद पैट छत पे जाता है जहां वो प्राण को खड़े देखता है। फिर वो उसके पास जाता है। प्राण पैट को वहां देखकर वहां से जाने लगता है पर पैट उसके सामने आ जाता है और पैट बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और वो प्राण से पूछता है उसने वो सॉन्ग क्यों प्ले किया था। प्राण उसे बोलता है क्योंकि वो प्राण का सॉन्ग है और प्राण ने उस सॉन्ग को लिखा है तो प्राण उसे क्यों नहीं प्ले कर सकता। पैट उसे बोलता है कि उस सॉन्ग को उन दोनों ने साथ में प्ले किया था। प्राण उसे कहता है तो क्या हुआ और क्या इतनी छोटी बात ने पैट को इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया। पैट उसे बोलता है कि छोटी सी बात और क्या ये बात प्राण के लिए इतनी मामूली चीज है। प्राण उसे बोलता है कि पैट को आखिर क्या हुआ है। पैट प्राण से बोलता है कि उसे अच्छा नहीं लगा और उसे नफरत होती है जब प्राण किसी और के साथ प्ले करता है। प्राण उसे बोलता है कि पैट को ये सब करना रोकना होगा
और वो प्राण के साथ ये सब ना करे, और पैट और प्राण के बीच कुछ भी नहीं है और वो दोनों फ्रेंड्स भी नहीं है। पैट उसे बोलता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हो भी कैसे सकते हैं, उन दोनों के पेरेंट्स ही एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं कि एक दूसरे के घर के सामने रहने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते, वो कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जब वो हमेशा एक दूसरे के साथ हर चीज में सिर्फ कम्पीट करते हैं। और वो बोलता है कि जब प्राण चला गया था तब पैट बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उसे प्राण के अगेंस्ट कम्पीट नहीं करना पड़ता था और उसे ये नहीं जानना पड़ता था कि प्राण अभी पढ़ाई में क्या कर रहा है, और उसे नहीं जानना होता था कि प्राण कौन से स्पोर्ट्स में है। प्राण पैट की बातों को सुनकर इमोशनल होने लगता है। पैट उसे बोलता है कि वो बहुत ज्यादा लोनली और डिप्रेस था जब प्राण चला गया था, और जो कुछ भी पैट और प्राण के बीच है उन दोनों को उसे क्या कहना चाहिए, और अगर वो दोनों दुश्मन नहीं है तो क्या वो दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। उसकी बात सुनकर प्राण के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। वो पैट को बोलता है कि क्या पैट चाहता है कि वो दोनों फ्रेंड्स बने, और पैट भी रो रहा होता है, और पैट रोते हुए प्राण को नो बोलता है, और वो प्राण की तरफ बढ़ने लगता है, और प्राण भी पैट की तरफ बढ़ता है, और पैट प्राण के करीब आकर उसे किस करता है, और फिर प्राण पैट को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और वो दोनों कंटिन्यू किस कर रहे होते हैं। फिर पैट प्राण की तरफ देखकर स्माइल करता है, पर प्राण बहुत रोने लगता है, और प्राण रोते हुए वहाँ से चला जाता है, और पैट प्राण की तरफ देख रहा होता है। फिर पैट को वहीं पे खड़े दिखाया जाता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, ये आज तक की बीएल हिस्ट्री का सबसे बेस्ट प्रपोजल और सबसे बेस्ट फर्स्ट किस था। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने फिफ्थ एपिसोड अभी तक नहीं देखी है तो आप सब प्लीज जाकर ऑफिशियल चैनल में फिफ्थ एपिसोड को देखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लव बैड बडी द सीरीज। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।